नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली में फैले हुए प्रदूषण की। जब भी आप घर से बाहर निकले तो आप ये सोचते हैं कि घर से बाहर निकलते आप थोड़ी ताजी हवा खाने को मिलेगी, लेकिन आजकल की जनरेशन में दिल्ली की हवा बिल्कुल भी शुद्ध नहीं रही है। हम जगह जगह लिख तो देते हैं क्लीन दिल्ली एंड ग्रीन दिल्ली, पर दिल्ली ना तो क्लीन है ना ही ग्रीन है। दिल्ली की हवा प्रदूषित हो चुकी है। दिल्ली में चल रहे प्रदूषण के कारण कई लोगों को परेशानी हो रही है और इससे सबसे ज्यादा परेशानी होती है बूढ़ों और बच्चों को, क्योंकि यही दोनों लोग हैं जिन्हें सबसे ज्यादा शुद्ध हवा की जरूरत होती है। लेकिन दिल्ली की हवा जरा सी भी शुद्ध नहीं रही है। इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है हमारी गाड़ियों का धुआं और बेतहाशा फैलाता हुआ प्रदूषण। अगर हमें चेंजेस लाने हैं तो हमें अपने आप को ही रोकना पड़ेगा। ये कोई प्रकृति नहीं है जो कि पोल्यूशन फैला रही है। आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप एक शुद्ध हवा का विचार करते हुए निकलते हैं, लेकिन आज दिल्ली की हवा शुद्ध होने की बजाय दूषित हो रही है। और इसका जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण है हम खुद। जब तक हम खुद नहीं रोक देते हैं इस चीज को, तब तक ये चीज बढ़ती चली जाएगी। अपने कूड़े को जितना हो सके उतना रिसाइकिल करें और गीले कूड़े और सूखे कूड़े को अलग अलग रखें। इतना ही नहीं, अगर आप अपने घर में प्लास्टिक जैसी चीजों कम यूज करेंगे उससे भी हमारी प्रकृति को काफी अच्छा फायदा होगा। आज जब भी हम घर से बाहर निकल रहे हैं हमें अपने मुंह में एक कपड़ा बांध के चलना पड़ा है, एक मास्क बांध के चलना पड़ा। साथ ही जो बाहर से हमारे देश में भ्रमण करने जो लोग, जो विदेशी लोग आते हैं देखने हमारे देश की सुंदरता को, ताजमहल को, इंडिया गेट को और लाल किले जैसे स्मारक को, उन्हें भी आजकल मास्क लगाना पड़ रहा है। और इससे हमारे देश का, हमारी राजधानी का कितना बुरा और कितना गंदा इंप्रेशन पड़ता है दूसरे देशों के सामने। इसे रोकने के लिए एक मुहिम जारी हुई है जिसमें सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि वह उस मुहिम में साथ दें। आज चिल्ड्रन डे के मौके में भी लोगों को ये नियाहत नहीं है कि वह अपने घर से निकल के बच्चों के साथ किसी अच्छे से पार्क या किसी अच्छे से बीच पे जाके बैठ के 2 मिनट आराम से बातें या खेल लें, क्योंकि वहां की बच्चों को घर से बाहर ले जाना उतना ही खतरनाक हो गया है जितना कि बच्चों को आग के पास भेजना है। क्योंकि जब उन्हें शुद्ध हवा ही नहीं मिलेगी तो उन्हें सांस में दिक्कत आ सकती है और इसी प्रदूषित हवा की वजह से लंग्स वगैरह में सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है। हमें सांस लेने में, हमें खाने में और भी कई चीजों में दिक्कत आती है। इससे हमारी आंखों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, साथ ही इससे हमारे सर में दर्द भी शुरू हो जाता है। हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं एक हल्का सा पोल्यूटेड माहौल हमें देखने को मिलता है, जिसके चलते हमारी आंखों और सर में दर्द होना आम बात है। इसमें हम कुछ ले भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये दर्द प्रकृति का दिया हुआ है और ये प्रकृति भी हमें क्यों दे रही है, क्योंकि हमने उसे ऐसा दिया है। प्रकृति ने हमेशा हमें एक अच्छी और एक स्वच्छ धरती दी थी, लेकिन उसे दूषित करने का काम हमने किया है। तो उसे शुद्ध बनाए रखें और दिल्ली को सही मायनों में ग्रीन और क्लीन करें। धन्यवाद। इसी तरह की न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।